नहीं रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने 89 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस। अमेठी जनपद में बदमाशों के हौसले बुलंद, जहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की युवक से लूटे हैं 32,000 रुपए और लूट करके हुए हैं फरार। और ये पूरा मामला शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के नोहरी का पुरवा खारा के पास का। बलिया जनपद क्षेत्र में बरसों से अवैध शराब की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है, जहां बैरिया के करीब दर्जन भर ग्राम के मार्गों से हरियाणा, पंजाब, गोवा, अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब बिहार भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। बलिया के बैरिया में जलेश्वर हत्याकांड पुलिस के लिए बनी है चुनौती, जहां 25,000 का इनामी बदमाश अब तक नहीं हुआ है गिरफ्तार। जहां दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में जलेश्वर सिंह के लगभग 30 गोलियों से छलनी कर दिया गया था, लेकिन इनामी बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अमेठी में बाजार सुकूल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है कुत्तों का वसीरा, जहां मरीजों से पहले सीएससी में पहुंचते हैं कुत्ते, जहां कुत्तों से मरीजों में रहता है बहका माहौल। बिहार के पूर्णिया में चलती बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बचे हैं सभी यात्री। अफगानिस्तान में सुरक्षित हैं सभी भारतीय, तालिबान के अपहरण करने की खबर में सच्चाई नहीं। पिछले 4 वर्षों के दौरान मनरेगा में हुआ है 935 करोड़ रुपए का गबन, ये बात कांग्रेस की तरफ से है। अफगानिस्तान में जर्मन वायुसेना ने काबुल से 172 लोगों को निकाला है बाहर। लखनऊ में जलाए गए मुनव्वर राणा के पोस्टर, जहां तालिबान का किया था इन्होंने समर्थन।